हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो जो डेफिनेटली आप जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को पूरा सुनने और देखने के बाद आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको डेफिनेटली शेयर करेंगे। और यदि आप पेरेंट्स सुन रहे हैं मुझे, तो डेफिनेटली आप भी अपने बच्चे को ये वीडियो ज़रूर से दिखाइएगा। सो शुरू करते हैं। जस्ट शुरू करने के पहले मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछना था। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 15-20 दिन में 2-व्हीलर या 4-व्हीलर परचेज किया है, या फिर कोई नया स्मार्टफोन परचेज किया है? और ऐसी चीज़ों पे जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, उस पे थोड़ी सी भी खरोच आ जाए तो कैसा महसूस होता है आपको? बुरा लगता है, राइट? वैसा ही बुरा लगता है जब भगवान या ईश्वर के बनाए हुए इस सुंदर शरीर को आप अनचाहे तरीके से ठेस पहुंचाते हैं। प्रॉपर खाना पीना ना रख के या प्रॉपर उसकी देखभाल ना करके, सो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने शरीर को ठेस पहुंचाते हैं। मेन मकसद आज के इस वीडियो को आपके सामने लाने का है कि आए दिन हमें सुनने में आ रहा है कि फला फला स्टूडेंट्स को स्टडीज़ करते टाइम पर स्ट्रेस हो गया है। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड हो चुका है पढ़ाई की दुनिया में, जिसे कहते हैं स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस? बच्चों से अगर पूछें कि ये स्ट्रेस क्या है, तो सिर्फ इर्द गिर्द वो स्टडीज से रिलेटेड ही जवाब दे पाएंगे। जबकि अगर उनसे पूछें कि क्या स्ट्रेस में आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, नंबर वन, उन्हें स्लीप अलॉट यानी सोना बहुत पसंद है। क्या ऐसा होता है? यस। क्या उन्हें लाइफ में हर चीज़ को इजी लेना, या मैं इस काम को आई डू इट टुमारो, मैं कल कर लूँगा, जिसको इंग्लिश में एक सिंगल वर्ड में बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यानी आज का काम कल पे टालना, या फिर मुझे रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ में घूमना फिरने जाना है, लाइफ को एंजॉय करना है, या फिर लाइफ को इस तरह से एंजॉय करना है कि मुझे मेरे हिसाब से जीने दो, मतलब मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, या फिर सोशली कनेक्टेड होना, अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टीज़ में जाना, मूवीज़ देखना या पिकनिक्स पे जाना, या फिर स्टडीज़ की जब बात आती है तो स्टडीज़ कब करना? जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हों, या फिर आपका वीकली टेस्ट है, कल अगर टेस्ट है तो आज तैयारी करने बैठना, या कोई फॉर्टनाइटली टेस्ट है, या किसी भी तरीके का टेस्ट अगर है तो। सो एस स्लीप अलॉट, टी टेक इट ईजी आई डू इट टुमारो, आर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन रोम अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स, ई एन्जॉय योर लाइफ माई वे, एस सोशली कनेक्टेड विथ फ्रेंड्स और यू कैन से एन्जॉइंग विथ बर्थडे पार्टीज, मूवीज, पिकनिक्स एक्सेट्रा, एंड लास्ट एस स्टडी जस्ट बिफोर द वीकली टेस्ट, फॉर्टनाइटली टेस्ट, योर एग्जाम्स और टेस्ट और वॉट एवर, राइट? ये हो गया स्ट्रेस, यानी इन शॉर्ट पढ़ने से दूर भागना, करेक्ट? सो ये हो गया कि स्ट्रेस क्या होता है। अब स्ट्रेस क्यों होता है ये हमें पता है कि थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके हम पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, बट स्ट्रेस को दूर करने का क्या तरीका है? सो मेरे पास बहुत ही सिंपल, सटीक सिर्फ दो क्वेश्चंस हैं जो मैं अपनी काउंसलिंग के दौरान हर बच्चे से पूछना चाहता हूँ। वो दो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर वन, वॉट यू आर, आप क्या है? तो जवाब क्या मिलेगा? वॉट एम आई? अगर मैं स्टूडेंट को ये सवाल पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब क्या होगा? आई एम अ स्टूडेंट, करेक्ट? सेकेंड क्वेश्चन, वॉट इज अ स्टूडेंट सपोज टू डू? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जवाब क्या मिलना चाहिए? स्टडीज, पढ़ाई। हाँ, जवाब यही है, पहले का स्टूडेंट, दूसरे का स्टडीज। बट एज ए स्टूडेंट स्टडीज के अलावा हम वो हर सारे काम करते हैं जो हम अपनी स्टूडेंट लाइफ के बाद में कर सकते हैं, या नहीं भी करें तो आपके लिए वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट क्योंकि हम उस भूल भुलैया में घुस चुके हैं कि नहीं, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मेरे लिए ये भी ज़रूरी है, और हर वो काम कर लेते हैं जिससे कि टाइम तो आपका स्पेंड हो जाता है बट स्टडीज़ नहीं हो पाती है। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रेस तो हो रहा है, इस स्ट्रेस को दूर करने के क्या उपाय हैं या क्या तरीके हैं जिनको हमें फॉलो करके हम स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको दो सवाल पूछे, जो दूसरा आंसर था स्टडीज़,
उस स्टडीज को ही मैंने बेस बना के उससे रिलेटेड मैंने आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो STUDIES स्टडीज, पढ़ाई। S स्टैंड फॉर, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट क्या करना है मुझे, सेट योर गोल। हमें क्या करना है, हमें अपना गोल डिसाइड करना है कि हकीकत में मुझे मेरे करियर की स्टार्ट तक करना क्या है, क्या पढ़ाई करनी है, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, और वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए मुझे कौन सी बुक्स को रेफ़र करना है, या कौन सी स्टडीज़ करनी है, या किस तरीके से मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँ, उस नतीजे तक पहुँचने के लिए मुझे हर वो संभव कोशिश करनी है जिससे कि मुझे मेरा जो गोल है वो अचीव करने में मुझे मदद मिले। ऐसे हम और एक चीज़ बोल सकते हैं, सीक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स, यानी आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके जो सीनियर्स हैं, या आपके कोई अंकल आंटी हैं जिन्हें ज़्यादा नॉलेज है, उनसे आपको हेल्प लेनी चाहिए, उनसे आपको थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहिए। तो एस स्टडीज़ में से एस शुरू हो गया। नेक्स्ट इज़ टी, टाइम टेबल। टाइम टेबल इन द सेंस, अब ये इतना बोरिंग टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को कि टाइम टेबल के बारे में बताइए मत, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो टाइम टेबल बना भी लेते हैं, 2 घंटा एक थियरी सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 3 घंटा प्रैक्टिकल करूंगा मैथ्स या अकाउंट्स या व्हाटएवर, फिर 2 घंटा कोई सब्जेक्ट कर लूंगा। ये टाइम टेबल बनाने का सही तरीका मेरे हिसाब से नहीं है। मुझे लगता है आपको टाइम टेबल में सबसे पहले मैं कितनी बजे सोने वाला हूँ से लेके मैं कितनी बजे उठने वाला हूँ, यानी स्लीप आपका फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए टाइम टेबल बनाने का। सेकेंड, आपके टाइम टेबल में भले ही 15 मिनट का हो, भले ही 10 मिनट्स का हो, या भले ही 5 मिनट्स का हो, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन 4 में से कम 2 चीज़ आपको डेली बेसिस पे इंक्लूड करनी चाहिए। उसका रीज़न भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्सरसाइज करने से आप फिजिकली फिट रहेंगे, और मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करने से आप मेंटली फिट रहेंगे, और अगर आप मेंटली फिट रहेंगे तो आप हर वो काम कर पाएंगे जो आपके गोल को अचीव करने में आपको नज़दीक पहुंचाएगा। दूसरी चीज़, खाने की हैबिट्स को भी हमें ध्यान रखना है, टाइम टेबल के अंदर ही आता है। सो हमें होममेड फूड खाना चाहिए। मैं दबाव देना चाहूँगा, होममेड फूड्स, यानी जो फूड जिसमें न्यूट्रिशन है, जो आपके मम्मी ने बनाया है, जो हो सकता है आपके घर में कोई फीमेल है, आपके भाभी हैं, आपकी दीदी हैं, जिन्होंने भी बनाया है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, आई डोंट थिंक दिस इज़ फूड। इस ऐसा एक भी फूड आप अपने लेवल पर रिसर्च करके मुझे कमेंट्स में रिप्लाई कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत न्यूट्रिशन मिला और मैं बहुत हेल्दी हो गया। तो ध्यान रहे, टाइम टेबल के अंदर एक्सरसाइज वगैरह जो मैंने बताया था, फूड हैबिट्स, फूड का भी टाइमली बेसिस पे ब्रेक लीजिए, सही तरीके से घर का बना हुआ अच्छा पौष्टिक और न्यूट्रिशियस खाना, क्योंकि जो न्यूट्रिशन आपको घर के खाने में मिलेंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जब स्टडीज से रिलेटेड टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें ये भी सारी दिनचर्या इंक्लूड कर रहे हैं, हर एक 2 सब्जेक्ट के बीच में कंपल्सरीली 5 मिनट्स का ब्रेक होना ज़रूरी है। उसका रीज़न है, पहली चीज़ तो स्टडी का कोई भी एक जो स्लॉट रहा कि आपने इतनी बजे से इतनी बजे तक आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अपना टाइम डिवोट करने की सोची अपने टाइम टेबल में, कोई भी टाइम टेबल कोई भी एक सब्जेक्ट को एट अ स्ट्रेच, ध्यान से सुनिए, 55 मिनट्स से ज़्यादा टाइम टेबल मत बनाइए। 55 मिनट हुए, स्टॉप कीजिए, 5 मिनट्स का कंपलसरी ब्रेक लीजिए। आपको वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, या अगर चाय रेडी है चाय पीना है, अगेन 5 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुआ आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। और एक दूसरी चीज़, हर एक सब्जेक्ट जो थियरी रहेगा उसका नेक्स्ट सब्जेक्ट कोशिश कीजिए कि आप उसको मैथ्स रखें या प्रैक्टिकल रखें या फिजिक्स, जो भी, मतलब जिस तरीके से आपको, तो आपको एकदम बोरिंग भी नहीं लगे या आपका एकदम से प्रैक्टिकल में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, STU, अनइंस्टॉल ऑल द सोशल मीडिया एप्स फ्रॉम योर स्मार्टफोन एक्सेप्ट व्हाट्सएप, अगर वो भी ज़रूरी है तो, नहीं तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जस्ट यूज योर स्मार्टफोन इफ यू आर अ स्टूडेंट। गया वो ज़माना जब कोविड था, कोविड है नहीं,
और आजकल आपकी हर वो स्टडीज, अगर आप कोचिंग क्लास जा रहे हैं, अगर आप ट्यूशंस जा रहे हैं, अगर आप स्कूल जा रहे हैं, सब चीज़ें आपको हार्ड कॉपी मिलती है। आप फिजिकली स्मार्ट बोर्ड से, वाइट बोर्ड से या ब्लैक बोर्ड से अपनी क्लास वर्क कंप्लीट करते हैं और घर पे लेके आते हैं। सो मुझे नहीं लगता एज ए स्टूडेंट, जो मैंने जो दो सवाल पूछे थे, व्हाट यू आर अ स्टूडेंट एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू स्टडीज, सो स्टडीज़ करने के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक्स है, वर्क बुक्स है, वर्कशीट्स है, कई सारी चीज़ें हैं। बट किसी भी तरीके से, हाँ, अगर एक्सेप्शन के केस में कई सारी चीज़ें अगर आपके व्हाट्सएप पे शेयर की जा रही है आपकी कोचिंग से या स्कूल से, पेरेंट्स की गाइडेंस में आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी अनवांटेड जितने भी ऐप्स हैं, भले वो गेम्स हो या भले वो सोशल मीडिया ऐप्स हो, उनको आप इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर दीजिए। सो STU नाउ कम्स टू D। स्टूडेंट की लाइफ में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, वो है डाउट सॉल्विंग। मेरा तो एक सिंपल सा फंडा है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू हैव अ डाउट प्लीज शाउट। आपका अगर डाउट है, अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं और कोचिंग भी जा रहे हैं, तो आपके डाउट्स एजुकेशनल प्रिमाइसिस यानी स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में या क्लासेस में या ट्यूशन में, आपके डाउट्स वहीं पे सॉल्व हो जाने चाहिए। हो सकता है कि आप घर आए, आप रिविजन करने बैठे, अगर आप रेगुलरली करते हैं तो, नहीं तो करना चाहिए। सो रिविजन करने बैठे और फिर अगर आपको कोई डाउट हो गया तो उसको आप अंडरलाइन कीजिए और उस डाउट को इमीजिएटली नेक्स्ट डे क्लियर कर लीजिए। क्योंकि जितने डाउट्स क्लियर होंगे, जितने आप डेडिकेटेड तरीके से स्टडी करेंगे, उतना बहुत क्लैरिटी से और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने गोल के नज़दीक पहुँच पाएंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड मेरे को दो चीज़ और गाइड करना है, अगर आप फॉलो करें तो बहुत अच्छा है। पहली चीज़, आपको जब भी डाउट होता है उसको तो आप क्लियर कर ही सकते हैं। उसके अलावा दूसरा वो तरीका है, आपके रेगुलर बेसिस पे कोचिंग में या स्कूल में जो टेस्ट होते हैं, स्पॉट टेस्ट हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, फॉर्टनेटली टेस्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपका 20 मार्क्स का पेपर था, आपने 18 स्कोर करा, 90% इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मेरा कंसर्न 90% में नहीं है, मेरा कंसर्न वो 2 मार्क्स के अंदर या वो 10% में जो आपने लूज़ कर दिया। अगर आपने आज वो लूज़ किया है, हो सकता है आपके यूनिट टेस्ट में भी वो लूज़ करें, हो सकता है वो आपके सेमेस्टर टेस्ट, हाफ ईयरली या फाइनल या सेकेंड सेमेस्टर, जिसको भी आप कहें, या आप नीट या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर आप IIM के लिए किसी एंट्रेंस एग्जाम की, MBA की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, किसी भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी टेस्ट में आपके डाउट थे या आपने वो आंसर रॉन्ग किया, तो उसका रॉन्ग आंसर बुक, जितने जितने आपने रॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं, उन सबको क्वेश्चन को आंसर के साथ कॉपी करें, एक बार अपने टीचर से, सर से, फैकल्टी से, प्रोफेसर से डिस्कस करें और उनको लिखते टाइम पे लर्न कर लें। उससे क्या होगा कि आपका जो डाउट था, जो आपने एग्जाम में रॉन्ग करा, वो अब आपको मेमोराइज हो गया है और अब वो आपने उसको अपने रॉन्ग आंसर बुक में प्रॉपरली आपने लिख लिया। उसको आप सेपरेटली एक सिंगल रॉन्ग आंसर बुक बना सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज उसी बुक में आप उसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड बेस्ट तरीका डाउट सॉल्व करने का है IMP या LMP, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। आप जब खुद स्टडी करने बैठते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, रिविजन करते हैं, तो एक छोटू सा नोटबुक बनाएं या एक पॉकेट बुक बना लीजिए। उसमें सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जो भी आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है या इम्पॉर्टेंट आंसर लग रहा है, उसके पॉइंट्स को आप ब्रीफ में आप पॉइंटर्स बना लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं, 300-400 पेज की पूरी टेक्स्ट बुक अगर फाइनल्स दे रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो पूरी बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो पॉकेट डायरी निकालें, टॉपिक निकालें, चैप्टर निकालें और आपके पॉइंट्स को आप बाय हार्ट करें, जिससे कि आपको क्लिक हो जाएगा, क्योंकि आपने लर्न भी किया है, सेकेंड टाइम लर्न किया है, आपने रिविजन भी किया है और आपने रिविजन करते टाइम पे वो LMP बनाया, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन या पॉकेट डायरी, अलग अलग नाम जैसा भी आप उसको बोलना चाहें, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में वो हेल्पफुल रहेगा। STUDI, आई के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। आई यानी मैं ये कहूँगा आई कैन डू इट। आपकी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको नफरत है, जो आपको पसंद नहीं है या जिसको आपने दूर कर रखा है अपने से। हर सब्जेक्ट को आप अपना सबसे पहला फ्रेंड बनाइए
और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको स्किप करके, इग्नोर करके आप अपनी लाइफ की, कोई भी स्टूडेंट लाइफ की कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जब मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो फिजिक्स के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आते हैं, बट आप फिजिक्स छोड़ के आप IIT क्रैक नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आप नीट क्रैक कर रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, CA एंट्रेंस दे रहे हैं या लॉ की एंट्रेंस दे रहे हैं या MBA के एंट्रेंस, किसी भी तरीके की कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट को कम्प्लीटली स्किप करके आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। बेस्ट तरीका है उस सब्जेक्ट से दोस्ती करें, गहराई में जाएं, हो सकता है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें, उसको डिक्शनरी लेके बैठें, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से लर्न करें। और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, डाउट जब जब है अपने फैकल्टीज को इंस्टीट्यूशन में उन डाउट्स को क्लियर करके आएँ, ताकि जब घर लौट के आएँ तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, वो सॉल्व्ड डाउट को सिर्फ रिवाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट ई के भी कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। मेरी तरफ से ई का मतलब है आपको सदैव स्टूडेंट लाइफ में एंथुजियास्टिक रहना है, पढ़ते समय एनर्जेटिक रहना है, और आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ईगरनेस होनी चाहिए, आपको सीखने की चाहत होनी चाहिए, और आपको अपने गोल से रिलेटेड हर वक्त जब भी टाइम मिले दिन का कम से कम 10 से 15 मिनट आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, उससे कि आपके गोल के नज़दीक पहुंचने में आपको मदद मिलेगी, और अगर कोई नए चेंजेस या कोई डायनेमिक, कोई एडवांसमेंट्स आए हैं उससे आप अपडेट भी हो पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एस, STUDIE, और अब एस, एस का मतलब है स्लीप वेल, स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। एस का और एक मीनिंग है स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। सो लाइफ में अगर ये बेसिक फंडामेंटल्स अगर आप फॉलो कर लेंगे, स्टडीज, STUDIES, मैं रिपीट करना चाहूँगा, एस स्टैंड्स फॉर सेट गोल फॉर योर सेल्फ। उसमें थोड़ा सा और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो फ्रेंड्स के बच्चे हैं मुझे कई बार पूछते हैं कि अतुल मेरे बच्चे को या बच्ची को थोड़ा सा गाइड करो। स्टूडेंट लाइफ में स्टडीज़ को दोस्त बनाने का बहुत ही प्यारा तरीका है, और आप विश्वास नहीं करेंगे एज अ स्टूडेंट यदि आप नहीं जानते हैं, शायद हो सकता है पेरेंट्स ने सुना हो। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की बात करें, रिलायंस, टाटा, बिरला, बजाज या किसी भी बड़े कॉर्पोरेट की बात करें, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स खुद के पूरे अपने सेल्स को लेके या मैन्युफैक्चरिंग को लेके या अपने ओवरऑल बिजनेस को लेके एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं SWOT, SWOT। आप अपने एक पेपर लीजिए, उसके बीच में एक बहुत बड़ा सा प्लस साइन कीजिए, ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड साइड में आप S लिखिए, राइट हैंड साइड में W, नीचे लोअर लेफ्ट हैंड साइड में O लिखिए, और राइट हैंड साइड, लोअर राइट हैंड साइड में T लिखिए, यानी SWOT। अब उसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं, क्या होता है SWOT एनालिसिस। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, तो ये SWOT एनालिसिस मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। SWOT का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ्स, S, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, T फॉर थ्रेट्स। अब इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बात करते हैं, S की बात करते हैं। S यानी स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स के अंदर आप टॉप लेफ्ट हैंड साइड में उन चीज़ों को लिखेंगे जिनमें आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है, या आपकी वो क्वालिटीज, या आपकी वो हैबिट्स जो आपकी स्ट्रेंथ है। W के अंदर वीकनेसेस, आप उन सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे जो आपकी वीकनेस है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर पूरा का पूरा सब्जेक्ट, या हो सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिससे कि आप नफरत करते हैं, जो आपको पसंद नहीं है, उसके वो चैप्टर्स जो आपने प्रिपरेशन नहीं किए हैं उनको आप वीकनेसेस में लिखेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें, और जो वीक एरियाज या जो वीकनेसेस वाले जो चैप्टर्स या वो जो क्वालिटीज़ थी उसको धीरे धीरे एक एक करके आप मूव करेंगे आपकी स्ट्रेंथ में, उतना अच्छे से उसको प्रिपरेशन करेंगे। मेरे कई सारे फ्रेंड्स के बच्चे हैं मैथ्स में वीक है, अरे मैथ्स में वीक है तो क्या करना है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बन जाएंगे। अगेन, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, भले आप दो बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आपके फ्रेंड की स्ट्रेंथ वीकनेस कुछ अलग हो सकती है, आपकी कुछ अलग हो सकती है। अब आप बोलेंगे स्ट्रेंथ वीकनेस तो समझ में आया, बट O और T मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके। आपकी क्लास में, आपके कोचिंग में, आपके कॉलेज में, मान लेते हैं अगर 35-40 बच्चे हैं, 80 बच्चे, 90, 100, XYZ जितने बच्चे हैं आपके ग्रेड में,
ये तो तय है कि इस बार उन सब में से कोई ना कोई फर्स्ट आएगा, ठीक है? सो आप क्यों नहीं? तो आप इसको थ्रेट भी मान सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी मान सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि आपके लिए फर्स्ट आना इस एग्ज़ाम में या उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आपका गोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आप उन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए और मल्टीपल स्कॉलरशिप एग्जाम्स है या मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनको आप क्रैक करना चाहेंगे अपने प्रैक्टिस के लिए या अल्टीमेट गोल अचीव करने के लिए। सो ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़, एंड टी थ्रेट, थ्रेट को मैंने मिक्स कर दिया। थ्रेट यानी कोई ना कोई तो फर्स्ट आएगा, सो मैं क्यों नहीं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, यानी जितने भी लोग आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे पता है मैंने वीडियो में आपका कई सारा समय लिया है, बट अगर आप इस वीडियो को दो बार तीन बार सुनेंगे और इसको प्रॉपरली स्ट्रेस के जो पॉइंट्स थे, स्लीप अलॉट, टेक इट ईजी, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, एन्जॉय लाइफ माई वे, सोशली कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, बर्थडे पार्टीज एंड स्टडी लास्ट मोमेंट, उस चीज़ को अगर आप हटा देंगे अपनी लाइफ से, और जो स्टडीज़ का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, डेफिनेटली उन सब चीज़ों को फॉलो करने से आपकी लाइफ में कई सारा स्ट्रेस अप टू 90% कम हो जाएगा। मैं खुद एक काउंसलर हूँ और मैंने कई सारे हज़ारों स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की है। मेरे पास आज ऐसे कई सारे फ़ोन आते हैं मेरे पुराने स्टूडेंट्स जिनकी काउंसलिंग की कि सर आपके बताए हुए जो आइडियाज़ थे उनको हमको फॉलो करने से हमारे स्टडी लाइफ में बहुत बेनिफिट मिला, हमारे परसेंटेजेस काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं। मैं चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ इसको फॉलो करें। और लास्ट चीज़, अपने बड़ों की बात ज़रूर से सुने, आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की। सिर्फ ये दो कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपसे कनेक्टेड हैं और सिर्फ आपका फ़ायदा चाहते हैं, कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपने अनुभव से आपसे बात करें और आपके फ़ायदे के लिए बात करें हैं। सुनेंगे तो फ़ायदा आपका होगा, नहीं तो वक्त आपको ज़रूर सिखाएगा, और जब वक्त सिखाएगा तब बहुत देर हो जाएगी और तब काफ़ी तकलीफ़ होगी। इसीलिए आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको वक्त के पहले सिखाना चाहते हैं ताकि आपको आने वाली वो फ्यूचर की तकलीफ़ ना हो, और शायद मेरी भी वही कोशिश रही है। और इस कोशिश में मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया है। आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे दें अगली बार आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको इसी तरीके के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गुड डे।